बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको यहाँ पे तकलीफ दी है। जो ज़ेबा का एक नहायत ही दुख भरा जो इंसिडेंट हुआ उस सिलसिले में, और अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी है, और जो मुलज़म है वो पुलिस कस्टडी में, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात भी यह है कि वो उसका सगा, उसका चचा है जिसने उसको मर्डर किया है। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो जिंसी ज़्यादती है वो साबित नहीं हुई, और बच्ची को जो उसने मर्डर किया है उसकी वो वजह बनाता है कि जी उसकी अपनी भाभी के साथ 15 दिनों से नाराज़गी, झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से उसने बदले के तौर पे इस मासूम बच्ची, 4 साल बच्ची का मर्डर किया। और वो उसने अकेली जब बच्ची थी, घर में और कोई आदमी मौजूद नहीं था, इनका जॉइंट फैमिली है, इकट्ठे ही घर में रहते हैं, तो उसने तकिए की मदद से उसका सांस जो है वो रोका है, और उस बेचारी की इसी कैफियत में उसकी डेथ हो गई। फिर रिक्शे में, ये तनाई में ही रिक्शे एक बोरी में डालता है उसकी लाश को, और तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पे जाके एक रोड साइड पे वो फेंक आते हैं। तो हमारे DPO की सरबराई में RPO साहब ने और मैंने एक टीम तश्कील दी, उन्होंने दिन रात इस पर मेहनत की, और विद इन 24 आवर्स ऑफ द अक्रेंस उन्हें ये कामयाबी मिली। तो जो एक खाद की बोरी थी जिसमें इसको बंद किया, उस डायरेक्शन पे ये गए कि जी कहाँ कहाँ से ये खाद की बोरी आई है, और दूसरा एक CCTV जो फुटेज है, वहाँ पे करीब में बिस्किट की फैक्ट्री है, तो उसमें इसको विजिबली इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसकी जो मूवमेंट हुई है वो हमारे पास मौजूद है।